Sir, can I come? Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, Sakshi. Please sit. Thank you, sir. Yes, Sakshi, tell us about yourself. So my name is Sakshi Gore and I'm from Srirampur. Currently staying in Nashik for my education. And I've completed my MCOM along with GDC and DTL, which is Diploma in Taxation. Mm-hmm. I have worked as an accountant for 2 years. My brother is graphic designer, so he used to work in front of me. So I got a little interest in this field. Then he told me about digital marketing and stains. Then when I come here, then I got more interest in it. So I'm fully into this field now. So I can see in your professional experience, you have written about Jensa work, yes. Website design, social media, SEO. So out of all these, which is your favorite module? I like SEO and website design more. And I've also done ads and campaigns. Okay. So, can you tell us about SEO? How SEO in 2024 is different from SEO in, say, 2010 or 2011? Abhi, can I use Hindi? Yes. Abhi SEO mein us time par itna अपडेट भी नहीं था, गूगल भी इतना अपडेट नहीं था कि वेबसाइट्स और वो सब प्रॉपरली रैंक हो सके या कुछ. और उसके बाद आई गेस 2011-12 में कुछ पैंडा एंड पेंगुइन अपडेट भी आया था, जिससे वो कंटेंट एंड वेबसाइट्स के बैकलिंक पर ज़्यादा फोकस करके उसको उसने रैंक कराया. तो तब हम अपनी वेबसाइट को अपने कंटेंट के या उस हिसाब से हम रैंक नहीं करा सकते थे. लेकिन अब हमारे पास वो एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारा कंटेंट अच्छा है या अच्छे बैकलिंक्स है, तो हम रैंक करा सकते हैं अपनी वेबसाइट. ओके, सो रैंक कराने के लिए अभी ऑन पेज एसईओ में आप कौन से पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा? ऑन पेज एसईओ में एक तो वेबसाइट की अपनी साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंड 4 सेकेंड्स में हमारी वेबसाइट लोड होनी चाहिए. तो उसके लिए वो भी साइज पे ही मैटर करता है. फिर उसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स भी है एंड जैसे कि साइट मैप होना चाहिए, रोबोट TXT होना चाहिए एंड स्कीमा होना चाहिए. ऑल्सो इमेजेस होने चाहिए, उसमें भी हम अल्टर टेक्स्ट यूज़ करेंगे. फिर हम हमारे टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी हम कीवर्ड्स यूज़ करेंगे एंड हमारा कंटेंट में भी हम कीवर्ड्स डालते हैं, उसमें वो भी रेलेवेंट होने चाहिए उस एंड हेडिंग्स में भी डालते हैं. हेडिंग्स हम H1 एक रखते हैं, उसमें H2 जो मल्टीपल होते हैं उसमें भी हम कीवर्ड्स यूज करते हैं एंड सो ऑन. ऐसे 25 पॉइंट्स से मैं सारे बता सकती हूँ. ओके, सो कीवर्ड्स जो हैं, हाउ डू यू फाइंड रेलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स? कीवर्ड्स इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सर्च करने वाले जो लोग हैं वो कौन, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है कि वो क्या सर्च कर रहे हैं उस पर. बट हम जब जैसे कि हमारे पास 2-3 टूल्स भी है जिससे हम कीवर्ड सर्च करते हैं कि मोस्टली उनमें से लोग क्या सर्च करते हैं, जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स है कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग हमारी स्टेंस की जो अकेडमी है तो उसमें भी जो मोस्ट कॉमनली लोग जिनको कोर्स करने की या फिर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट होगा सीखने के लिए, तो वो उस हिसाब से सर्च करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरे आसपास कौन सा है. या तो हम उसमें से वो कॉमन वर्ड्स चूज करते हैं एंड उस पर रैंक करना फिर इजी होता है. कौन से टूल्स आपने यूज किए हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए? जैसे एक तो हम keywordtool.io यूज करते हैं, फिर सेमरश में भी हमें कीवर्ड्स पता चलते हैं. Okay. वो दो तो मैंने किए. कीवर्ड्स SEO के एंगल से कितने टाइप के मिलते हैं आपको, कितने टाइप के होते हैं कीवर्ड्स? एक तो मेन तो वो दो होते हैं, एक फैट कीवर्ड्स एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, वही होते हैं. और इंटेंशंस के एंगल से कितने हैं? इंटेंशंस से फिर वो ब्रॉड मैच और वो बता सकते हैं. ब्रॉड मैच तो एड्स में होगा. अच्छा, सॉरी, एड्स में आएगा. कीवर्ड इंटेंट के एंगल से कीवर्ड्स, अच्छा वो कमर्शियल ट्रांजैक्शनल, वो तो इंटेंट में है. कमर्शियल ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेटिव एंड नेविगेशनल वो तो आते हैं उसमें. ओके, यस. यस साक्षी, यू हैव मेंशन ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजीज, टेल मी 5 ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजीज.
ऑफ पेज में सबसे इम्पॉर्टेंट तो हम बैकलिंक्स लेते हैं दूसरी वेबसाइट से, प्लस हम अपना सोशल सिग्नल बढ़ाते हैं, एंड उसमें ऑफ पेज में नहीं, अभी रिकॉल नहीं हो रहा सर ज़्यादा. ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो बैकलिंक एंड नो फॉलो बैकलिंक? डू फॉलो एंड नो फॉलो में डिफरेंस ये है कि जब कोई वेबसाइट हमें बैकलिंक दे रही है तो वो उसकी कोई हमें उसके साथ वो SEO का बेनिफिट या फिर अथॉरिटी भी पास करती है, तो वो ऑप्शन उसके पास होता है कि वो हमें पास करे या ना करे. तो वो डू फॉलो में हमें SEO का बेनिफिट मिलता है एंड नो फॉलो में वो ब्लॉक कर देता है, वहीं पे वो नहीं होता पास. ओके, इन SEO व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो सर्च रिजल्ट के नीचे दिखती है, जैसे कि अपवर्ड्स हो गए या हम उस पर डाल सकते हैं कुछ, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट हम एक्स्ट्रा नीचे की इन्फॉर्मेशन रेटिंग्स वगैरह भी डालते हैं उसमें, वो होती है. ओके, यस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आपने लिखा है क्रिएटिंग एंगेजिंग कंटेंट. टेल मी टू टूल्स जहाँ से आप कंटेंट फाइंड करते हो. कंटेंट में मोस्टली मैं ChatGPT एंड Gemini AI यूज़ करती हूँ, एंड कुछ अगर मुझे इंफॉर्मेटिव वो सब बनाने होंगे तो मैं गूगल पे सर्च करती हूँ वैसे ही, क्योंकि अब मैंने किया है तो वो हॉस्पिटल का है तो मुझे उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं गूगल पे सर्च करके वैसे ही बनाती हूँ. ओके, सोशल मीडिया के लिए मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से टूल यूज़ किए आपने अभी तक? सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए तो एक तो हम ऑडिट के लिए हम सोशल ब्लेड यूज़ करते हैं, उसके लिए कैनवा में यूज़ करती हूँ बनाने के लिए अपने डिज़ाइंस, एंड आल्सो सोशल मीडिया में तो इतनी है सर. शेड्यूलिंग के लिए कोई टूल यूज़ करते हैं सोशल मीडिया शेड्यूलिंग? यस, पॉली यूज़ कर सकते हैं हम, एंड सोशल मीडिया में फेसबुक का मेटा सूट होता है वो भी होता है यूज़, okay. जोहो भी यूज़ होता है. सो पॉली के थ्रू आपने कोई शेड्यूल किया है पोस्ट? पॉली के थ्रू मैंने ज्यादा नहीं किया है क्योंकि मैंने सीखा जोहो था तो मैंने जोहो ज्यादा किया है. जोहो से आपने पोस्टिंग की है? हां, उस पे की है. तो जोहो के फ्री अकाउंट में शेड्यूलिंग फीचर है? शेड्यूलिंग नहीं, सॉरी, शेड्यूलिंग उसमें नहीं है, उस पे हम मल्टीपल जगह पे पोस्ट कर सकते हैं, बट शेड्यूलिंग हम पॉली में करते हैं. You have mentioned about many certifications here. Yes. Certificate में आपने कुछ SEMrush के certificates हैं, कुछ Google Ads के certificates हैं. Can you tell me कि what is there in Google Ad measurement certificate? What kind of questions you get or what Google is covering in that? वैसे मेजरमेंट में हम गूगल एड्स के जो नंबरिंग होते हैं या फिर हम सॉरी मैं नहीं याद कर सकती. Okay. So, सर्टिफिकेट ये वाले किए हैं आपने, सही से किए हैं कंप्लीट देख के किए हैं? लेकिन टाइम बहुत हुआ है तो अभी रिकॉल नहीं हो रहा. ई-कॉमर्स आपने वेबसाइट डेवलप्ड एंड स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूटेड रिलेटेड टू ई-कॉमर्स आपने बताया हुआ है, एंड इवन स्किल्स में भी आपने फेसबुक एड्स एंड ई-कॉमर्स किया हुआ है. यस, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपस्केल अपसेल एंड क्रॉस सेल? यस, अपसेल इज समथिंग मतलब व्हेन कस्टमर इज कमिंग ऑन आवर वेबसाइट, वो कुछ खरीदना चाहता है, एंड इफ समवन इज कमिंग, मैं उसे कुछ उससे बेहतर बेचूँ या फिर मैं कहूँ कि उससे ज़्यादा स्पेंड करे वो, ऐसा कुछ उसे बेचूँ, यानी कोई आ रहा है iPhone 13 खरीदने आ रहा है तो मैं उसे थोड़ा सा ऑफर दे के या कुछ अगर मैं iPhone 14 बेचूँ कि वो भी अपना थोड़ा सा स्पेंडिंग बजट अपना थोड़ा सा बढ़ाए, तो मैं उसे अपसेल बोलूँगी. एंड क्रॉस सेल हम ऑलरेडी जब कस्टमर कुछ खरीद लेता है, जैसे कि उसने फ़ोन खरीदा तो मैं उससे रिलेटेड कुछ जो वो खरीद सके, जैसे उसने फ़ोन खरीदा है तो मैं उसे उसका कवर बेच सकती हूँ जिसमें वो पता है मुझे कि उसकी उसे ज़रूरत भी पड़ेगी. ओके, बहुत बढ़िया. एंड इन फेसबुक एड्स फॉर ई कॉमर्स व्हिच एड टाइप यू विल चूज एंड व्हाई? ई कॉमर्स के लिए मैं सेल्स वाला ऐड चलाऊंगी, उसमें भी दो होते हैं, एक तो एक मैक्सिमम कन्वर्जन होता है एंड मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू होता है, तो मैं मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू चूज करूंगी. इन फेसबुक एड्स यू हैव दीस? यस. और इन गूगल एड्स यू हैव दीस?
Sorry, it's in Google Ads. So, tell us about Meta Ads. Yes. So, which ad type you will run and why? उसमें catalog ad हम catalog बना के ads run कर सकते हैं उसमें. Meta Ads में e-commerce में हम पहले अपने जो products हैं उनका catalog बनाते हैं and then हम sales ad run करते हैं उसमें. Okay. So, catalog sales ad if you are running. And we have to track the conversion. So which event is the most important event in case of e-commerce when it comes to Meta Ads? It's purchase event, sir. Purchase event. Very good. In Facebook ads, tell me about pixel. What is pixel? पिक्सेल एक कोड होता है सर जो हमें फेसबुक देता है क्योंकि हम फेसबुक को हमारे वेबसाइट पर होने वाले इवेंट्स ट्रैक करने होते हैं तो उसके लिए फेसबुक हमें वो कोड देता है जो हम अपने वेबसाइट के हेडर में पुट करते हैं जिससे वो इवेंट्स ट्रैक कर सकता है फेसबुक. अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि फॉर कंटेंट डिस्कवरी यू आर यूजिंग चैट जीपीटी एंड जेमिनी. Do you think ChatGPT and Gemini, these type of AI tools in coming years, like 2 to 3 years, 4 years, digital marketers ke job ke upar impact karenge? Kyunki as a business owner, ye to main bhi kar sakta hoon. Main bhi ChatGPT use kar sakta hoon. Aur main bhi content nikal sakta hoon. यस ChatGPT हमें कंटेंट दे सकता है सर अच्छा बट उस कंटेंट को अच्छे डिज़ाइन में डाल के वो भी अब हम अपनी जो स्ट्रैटेजीज लगा के लोगों को ऐड ऑन करने के लिए तो वो अपना दिमाग इतना नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि मार्केटिंग की जो स्ट्रैटेजी जैसे अभी पिछली बार भी ब्लिंकिट एंड कुछ वो डेटिंग ऐप ने बैनर लगाए थे वैसा कुछ ChatGPT नहीं सोच सकता यानी कि क्रिएटिव कुछ मैं बोल सकती हूँ तो वो हमें बस उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसमें फीडेड है वो बस डाटा दे सकता है जिसको यूज हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्रिएटिव कुछ बनाने में. सो कैन वी सी एनी ऑफ योर लाइव वर्क दैट यू हैव डन टिल डेट? अभी इट्स इन माय लैपटॉप सर फोन में तो नहीं है. सो वेबसाइट कोई आपकी लाइव है? एनी डोमेन वेबसाइट नहीं लाइव तो अभी तक की नहीं है. एस्थेटिक में मैंने थोड़ी सी हेल्प की है चाहे तो वो दिखा सकती हूँ. ओके किस चीज में आपने हेल्प ली है किस चीज में? वो aesthetic.com हमारी प्रिंटेड हुडीज की वेबसाइट है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? मैंने थोड़ा सा उनका जब एड्स रन किए थे तो जब शिपिंग वगैरह का काम था तो वो मैंने किया था एंड जब वो कस्टमाइजेशन भी चल रहा था तब आई वाज देयर क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी सीखना था. तो aesthetic.com जो है वो शॉपिफाई में बना हुआ है या फिर शॉपिफाई में बना है? तो आपने शॉपिफाई के पैनल देखे होंगे जो डैशबोर्ड पैनल है. टेल मी कि आपके हिसाब से शॉपिफाई स्टोर में अगर मैं स्टोर यूज कर रहा हूँ शॉपिफाई में मुझे दो कौन से एप्स ऐसे हैं जो यूज करने ही चाहिए शॉपिफाई में? मतलब वो तो हम शिप रॉकेट तो हम शिपिंग के लिए यूज कर सकते हैं एंड और एक था रेजर पे भी है जो हम पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. रेजर पे किस पेमेंट के लिए यूज करते हैं? यस श्योर हैं आप? यस. सो रेजर पे के अलावा इंडियन पेमेंट गेटवेज कोई पता है आपको? नहीं अभी रिकॉल नहीं आ रहा सर. सोशल मीडिया मैनेजमेंट में मान लीजिए मैं एज अ क्लाइंट आ गया आपके पास और मेरी रिक्वायरमेंट है कि यू आर सपोज टू इंक्रीज माय नंबर ऑफ फॉलोअर्स क्या करिएगा उसके लिए? मेरा ज्वेलरी शॉप है. ओके अगर पहले से नहीं होगा तो सबसे पहले ऑर्गेनिकली हमें करना पड़ेगा तो उसमें हम पहले तो मेन चीज़ तो हमारी पोस्ट ही होती है कि हम पोस्ट थोड़े से एंगेजिंग बनाए या फिर पोस्ट तो ज़्यादा नहीं बट आजकल वीडियोज़ एंड रील्स ज़्यादा चलते हैं तो लोग देखें ऐसा कुछ हम बना सकते हैं उसमें स्टोरीज हम लगा सकते हैं एंड लाइव जाना एंड वो सब भी हम कर सकते हैं जैसे कि लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो उसमें भी हम Q&A सेशंस वगैरह कर सकते हैं
एंड कोलैबोरेशंस हम क्योंकि ज्वेलरी शॉप है तो हम थोड़े से इफ हमारा बजट है अगर तो हम कोलैबोरेशंस कर सकते हैं कुछ अच्छे जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके साथ एंड और कुछ नहीं सूझ नहीं रहा ज्यादा. सो SMO एंड SMM दो पार्ट जो सोशल मीडिया में है दोनों में क्या फर्क है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो ऑर्गेनिक जो हम चीज़ें करते हैं वो ज़्यादा आता है जैसे कि अकाउंट बनाने से लेकर ये पोस्टिंग स्टोरी जो भी मैंने बताया वो सब ऑप्टिमाइजेशन में आएगा एंड मार्केट सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम पेड एड रन करते हैं. यस अपने वेबसाइट डिजाइनिंग में वर्डप्रेस मेंशन किए. टेल मी 5 इंपॉर्टेंट प्लगइन्स ऑफ वर्डप्रेस. फर्स्टली एलिमेंटर सबसे इंपॉर्टेंट है. एलिमेंटर क्योंकि मैं ले रही हूँ तो साथ में एडिशनल एडॉन्स एंड रॉयल एडॉन्स भी मैं लूँगी और उसके साथ हम अगर हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो वू कॉमर्स हम उसमें डाल सकते हैं. प्लस फॉर्म्स के लिए हम फॉर्मिनेटर एंड फ्लुएंट फॉर्म्स दोनों प्लगइन यूज़ करते हैं. उसके साथ HFCM हेडर फुटर कोड मैनेजर वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्लगइन है एंड इफ़ हमें अपनी वेबसाइट लाइव करानी है तो उसके लिए WP माइग्रेशन ऑल इन वन WP माइग्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है. ओके टेल मी अभी लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस. ओके इन वर्डप्रेस टेल मी 2 कैचअप प्लगइन्स. सॉरी सुनो 2 कैचअप प्लगइन्स. कैचअप प्लगइन्स अभी नाम नहीं आ रहा है. ओके यस सी साक्षी आपके अंदर की जो क्वालिटीज हैं आपकी जो स्ट्रेंथ है दो आपके स्ट्रेंथ बताइए और दो वीकनेस बताइए आपके क्या हैं. स्ट्रेंथ सर मैं अपना बता सकती हूँ कि कोई चीज़ अगर मुझे नहीं आ रही है तो थोड़ा सा मैं वीकनेस भी उसमें एक ही आ जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ. बट स्ट्रेंथ उसमें मेरी यह है कि मुझे मालूम है होता है कि मैं ठीक है मैं नर्वस हूँ बट मैं कोई चीज़ कर लूँगी अगर मैं करना चाहती हूँ तो. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीखने में अच्छी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है सीखना तो कोई नई चीज़ हो तो अडेप्ट करने में ईजी जाती है मेरे लिए. एंड थोड़ी सी नर्वस हूँ बट कॉन्फिडेंस वैसा मेरे में है. अच्छा एंड अभी आपके घर में कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा है वो श्रीरामपुर में रहते हैं एंड अभी मेरा भाई मैं और मेरी अज्जी रहती है. एंड यू नो फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके मैरिज और मैरिज का तो अभी कोई प्लान नहीं है क्योंकि जस्ट मेरा अभी करियर स्टार्ट ही हो रहा है तो उसके लिए अभी वैसे मैं 2-3 साल 3-4 साल तो मैं काम करना चाहूँगी पहले क्योंकि मुझे इस फील्ड का ज़्यादा नॉलेज नहीं है. मैं अकाउंटिंग फील्ड से हूँ तो मैं एक बार इसमें एक्सपीरियंस्ड हो जाऊँ तो मैं आगे जाके एजेंसी का खुद की एजेंसी या फिर फ्रीलांसिंग दोनों में से कुछ क्योंकि जॉब लाइफ टाइम तो कोई नहीं करना चाहता इसलिए वो सोच रही हूँ. सो अपनी एजेंसी स्टार्ट करने के लिए फिर आप कहाँ नासिक में हैं या फिर श्रीरामपुर या फिर कैसे प्लान करते हैं? नहीं श्रीरामपुर में तो मेरा अभी कुछ प्लान नहीं है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड ही ऐसी है कि उसके लिए आप सिटी में होने चाहिए. नासिक मुझे अच्छा लगता है एंड अच्छी सिटी भी है एंड 3-4 साल में तो अभी तो यही थू उस पे उसके बाद का फिर अभी सोचा नहीं. बहुत अच्छा है साक्षी. Now you have a good understanding about the topics. जैसे आपने answers भी दिए जो आपको पता थे वो आपने answers दिए हैं जो नहीं दिए हैं. We have recorded this session so you can definitely watch it. Now it's time for us to give feedback on your interview. In your resume, you can see there is some cuts in this side. Yes. Na? So make sure that these things are not there. Proper page pe resume rahe hamara. Cut na ho because niche bhi scanned with part cut ho raha hai. Yes.
रिज्यूमे अच्छा है बट जब आपने लिंक्डइन मेंशन किया है यू शुड मेंशन योर यूजर नेम लिंक्डइन का. सो लोगो के बाजू में लिंक्डइन लिखा हुआ है सिर्फ. ओके सर, मैंने उसको लिंक दिया था इसलिए शायद. बट वो लिंक क्लिक नहीं होता पेपर. सेकंड, प्रोफाइल के अंदर जो टेक्स्ट है वो बहुत ही छोटा है. यू हैव मेंशनड कॉमर्स ग्रेजुएट पैशनेट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग सीकिंग डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न रोल टू कंट्रीब्यूट एंड ग्रो. नाउ ये जो इंटर्न रोल है नाउ दिस मे बी अ प्रॉपर जॉब रोल, तो ये आपको अपडेट कर लेना चाहिए. और इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करिए. आप इस प्रोफाइल सेक्शन में यू कैन हाईलाइट व्हाई एनीबॉडी शुड हायर यू, है ना. तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है वो चीजें मेंशन करने को. लैंग्वेजेस पार्ट आपने अच्छे से किया हुआ है कवर, एजुकेशन भी आपने अच्छे से कवर किया हुआ है. बस इसमें एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए. जो एजुकेशन का पार्ट है आपका ये एक फ्लो में रहे तो ठीक है. जैसे आपने शुरुआत में लिखा मास्टर ऑफ कॉमर्स पुणे यूनिवर्सिटी 21 to 23, राइट. ये एक है. उसके बाद आपने गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉर्पोरेशन एंड अकाउंटेंसी वाला ये 21 to 22, ये पैरेलली चल रहा था क्या? साथ में चल रहा था. और ये डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ ये भी फिर पैरेलली चल रहा था मास्टर्स इन कॉमर्स के साथ. ओके और फिर आपने ऊपर में ये डाला है, ठीक है. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट्स है, स्किल्स है. आपको अपने इंटरेस्ट और हॉबीज इसमें साइड में तो नहीं है, इंटरेस्ट और हॉबीज ऐड करने चाहिए. सो रिज्यूमे के ऊपर थोड़ा सा काम कर लीजिए. सेकेंड चीज, जो टेक्निकल पार्ट है जहाँ मिस हो रहा है, क्यों मिस हो रहा है, आइदर प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम हुआ है उन चीजों पे, तो वो एक है. मैं कहूँगा थोड़ा सा ट्राई आप कर सकते हैं. जैसे समटाइम्स व्हेन यू आंसर एंड यू डोंट नो, यू आर जस्ट लीविंग, सर आई डोंट नो, कुछ रिकॉल. जैसे मैंने थोड़ा कीवर्ड इंटेंट पे आपको हिंट दिया, देन आपको कीवर्ड इंटेंट याद थे, बट अर्लियर यू सेड कि इतना ही है अभी, है ना. तो थोड़ा उसमें हम लोग ट्राई कर सकते हैं. और अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी चाहिए तो सामने वाले से आप पूछ सकते हैं कि इसकी क्लैरिटी थोड़ी मुझे चाहिए होगी क्वेश्चन की. सर्टिफिकेट्स आपका रिज्यूमे देखते हुए पहला फोकस सर्टिफिकेट पे जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा है, है ना. तो इस पे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं आपसे कि ये सर्टिफिकेट में क्या था या इसमें क्या किया. तो उसका एक रिविजन रखिए अपने साथ, बिकॉज आपकी लिस्ट बहुत लंबी है. बाकी जो एजेंसी स्टार्ट करने का प्लान है, अगर आप इंटरव्यूअर को बोलेंगे हो सकता है ये आपके अगेंस्ट भी चला जाए किसी किसी इंटरव्यू में, है ना. क्योंकि ये लंबा आपका प्लान है, 3-4 साल 5 साल के बाद का है. तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप उस पर इस आंसर को ला सकते हैं, अदरवाइज इसको आप बचा के रखिए तो बेटर है. बिकॉज इंटरव्यूअर जो है वो इस डाउट में चला जाएगा कि इनको कब स्टार्ट करना हो. अभी तो आप बोल रहे हो 4 साल, लेकिन हो सकता है 2 साल में ही कर दो, हो सकता है हमारी कंपनी 1 साल में ही छोड़ दो. तो ये डाउट वाले चीज से हम थोड़ा बच सकते हैं. बाकी अच्छा है. आपका प्रेजेंटेशन, आपका जो खुद को कैरी करना इंटरव्यू में, आई कॉन्टैक्ट, ये सब बहुत बढ़िया है. सो कीप दिस थिंग अप एंड डू वेल. थैंक यू सर. अभी आदित्य सर अपना. यस अक्षय, आप पैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखिए. जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे तो आपको अपने गिव अप कर दिया लगे. तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज और अडेप्ट करिए, ज़्यादा टाइम बिताइए और पैनल पे और टूल्स पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग के और टूल्स ढूंढिए. आप नए नए चीज़ें सीखिए, नए नए ट्रेंडिंग अपडेट्स को देखिए, न्यूज़ को देखिए, तो आपको और डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के बारे में पता रहेगा. ऑल द बेस्ट, डू वेल. थैंक यू सर.